यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं आपका जो जेनपक कंपनी द्वारा द्वारा आपको केवाईसी दरकार है, आपको जो फ्रेशर से है, आपका जो जयपुर में आपका ऑफिस में आपको काम करना होता है। इसमें जो फ्रेशर्स कैंडिडेट से वो भी अप्लाई कर सकता है, जो एक्सपीरियंस है सो भी अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए आप लोग एलिजिबल है। सो आप लोगों को लोकेशन भी दे दिया है आपका जो जयपुर में काम करना होता है। सो आप लोगों को सैलरी भी आप लोगों को देख सकते हैं, आप लोगों को 3 लाख रुपीज पर एनम मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सो चलते हैं, पर तो जल्द जल्द आपको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि 3 दिन के आपको 3 डेज आगे पोस्ट होगा। इसमें से आप लोगों को देख सकते हैं जो जॉब व्यूअर्स इतने हैं और जॉब एप्लीकेंट भी आपके पास इतने हैं, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या है इसमें आप लोगों को, स्टार्टअप कंपनी है, इसमें आपको स्टार्टअप स्प्लिट आपको 90,000 कोरियाज वगैरह ड्रीप वगैरह वर्ल्ड बिगेस्ट आपको बैंड स्टैंड जो भी कंपनी, इसमें आपको काम करना होता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं आपको इन्फाइट एप्लीकेशन रोल डिस्प्यूट्स इन्वेस्टिगेशन स्पेशलाइजेशन प्रोसेस वगैरह एसोसिएट्स एंड प्रोसेस डेवलपर सबको ऊपर काम करना होता है, ठीक है। और भी आप लोगों को दे दिया है, आप लोगों को थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे आप लोगों को परफॉर्मेंस रिसर्च एंड कस्टमर डिस्प्यूट फॉर कार्ड फॉर ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड वगैरह डेबिट कार्ड एटीएम पिन वगैरह जो भी हो POSS टू डिटरमाइन इफ एन अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन हैज बी अक्यूड एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर रिकवर फंड एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनबाउंड फॉर आउटबाउंड कॉन्टैक्ट जो भी है मार्केट एंड कस्टमर टू वेरीफाई ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन गैदर एडिशनल इंफॉर्मेशन टू कम्प्लीट एंड इन्वेस्टिगेशन परफॉर्मिंग चार्जेस आपको जो चार्ज बैक्स एंड अदर फीसेस ऑफ द डिस्प्यूट्स मैनेजमेंट लाइफ साइकिल टू रिकवर फंड वगैरह। दूसरा है आप लोग कम्प्लीट पूरे इशू प्रोविजनल आप लोग क्रेडिट कस्टमर लेटर हैंडिंग हैंडलिंग जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है आपको काम करना होता है, उसके ऊपर कस्टमर का पूरा सोल्यूशन देना पड़ता है, सेटिस्फेक्शन आपको होना पड़ता है। तो उसके हिसाब से आप लोग थोड़ी बहुत इंसेंटिव आपको मिलता है, तो थोड़ी बहुत जिनके बोलते हैं इंसेंटिव आपको मिल सकता है आप लोगों, ठीक है। और भी है आप लोगों को मतलब व्यापार परफॉर्म रिक्वायर्ड टास्क वगैरह पर रेगुलेशन बिजनेस पॉलिसी वगैरह, ठीक है, फॉर कार्ड फॉर नेटवर्क वगैरह टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प मिनिमाइज द रिस्क प्रोसेस टू फ्रॉड पैटर्न एंड ट्रेनिंग द्वारा पार्टिसिपेट एंड ADHOC प्रोजेक्ट असाइनमेंट एज नेसेसरी अदर्स ड्यूटीज एज असाइन। तो क्वालिफिकेशन में बारे में इस भी वो पूरा दे दिया है, एवं फ्रेश ग्रेजुएट है सो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास बैचलर डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अराउंड जयपुर अजमेर गुड़गांव मोस्ट वेलकम। तो इसको भी तो वो ध्यान दे सकते हैं, शुड बेसिक नॉलेज बैंकिंग अबाउट डिस्प्यूट इन्वेस्टिगेट डेबिट क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री
सो आपके पास इतने सारा जानकारी नहीं हो सकता है। सो इसके लिए भी मैं आप लोग बुक्स वगैरह भी दे दूंगा थोड़ी बहुत, इसकी बैंकिंग वगैरह, डिस्पूट इन्वेस्टिगेशन, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के बारे में, उसके भी मैं आप लोगों को कॉपीज वगैरह दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो प्लीज ध्यान से सुनिए, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा मौका है आपके पास, इतने फ्रेशर्स आप लोग अप्लाई कर सकते ज्यादा, इससे जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस होना पड़ता है एना को बेसिक फॉर नॉलेज बैंकिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन इन्वायरमेंट वाल जो भी है सब वो देख सकते हैं, वर्किंग वगैरह नॉलेज के भी क्रेडिट डेबिट प्रोसेस वगैरह, ठीक है। और भी आप लोगों को परफॉर्मेंस ट्रांजेक्शन व्यू, आइडेंटिटी फ्रॉडलेंस वगैरह, कार्ड फॉर नेटवर्क सिस्टम, वीजा रिसोल्वेस ऑनलाइन, अबाउट वीजा क्लेम्स रिसोल्यूशन, मास्टर्स कार्ड सिस्टम, फेमिलर विद पेगान सिमिलर वर्क फ्लो टूल्स ऑफ एबिलिटी आर्टिकुलर रिचार्ज आपको जो फाइंडिंग वगैरह टू डॉक्यूमेंट दैट फॉर रिसोनोमल इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंडक्टेड। और भी जैसे आपको तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस स्किल एंड एबिलिटी असिस्ट फॉर कस्टमर इंक्वायरीज इंडिपेंडेंटली, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्किल आपको होना चाहिए, एबिलिटी कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आपको ट्रांजेक्शन इशू वगैरह करंटली, एबिलिटी इफेक्टिवली मैनेज टू टाइम वगैरह, ऐसे आपको बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिल जाए। सो आप स्किप करके मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ी बहुत आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्किल में, आउटलुक वर्ड एक्सेल, क्योंकि ज़्यादातर आपसे ऐसे आपको काम वगैरह करना पड़ती है। दूसरा जो डेमोस्ट्रेट जो आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क अंडर 24/7 वर्किंग एनवायरनमेंट, सर जब कोई एट्रीब्यूट होता है इसमें आपको डेमोस्ट्रेट एंड साउंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वर्क डायनामिक फास्ट पेस एनवायरनमेंट, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग अटेंशन एंड डिटेल्स वगैरह, गुड कम्युनिकेशन स्किल बोथ रिटेन एंड वर्बल इंग्लिश, मैंने आपको पहले ही बताया था मैंने आपको, फॉर एडेप्टेबल चेंज फॉर एबिलिटी वर्क इंडिपेंडेंटली एंड ग्रुप सेटिंग में, ठीक है। सर क्वालिफिकेशन भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कितना क्या है, सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसे जेनपेक्ट एज अ इक्वल अपॉर्चुनिटी इम्प्लॉय फॉर कंसिडरेड एप्लीकेंट ऑल पोजिशन विदाउट रिगार्ड्स रेस कलर रिलीजन बिलीफ सेक्स एज नेशन वगैरह ऑरिजिन, आपको आपके ऊपर सभी के ऊपर एक ही समान आपके ऊपर देखा जा सकता है, ठीक है। सो आपको रोल रहेगा आपको आपको के वाई सी में सैलरी में आपको बोल देता हूँ, इंडस्ट्री का बीपीओ एंड कॉल सेंटर है आपके पास, डिपार्टमेंट बीएफएस इन्वेस्टिगेटर एंड ट्रेडिंग में है, रोल कैटेगरी आपको आपको लेंडिंग में है, इम्प्लॉयमेंट फुल टाइम परमानेंट पोस्टिंग यहाँ पर आपको रहेगा। ये बात थोड़ी बहुत स्किल है, सो की स्किल वगैरह ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी भी कंपनी के बारे में देख सकता है आप लोग देख सकते हो। तो कैसे अप्लाई करना होगा मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। इसमें आप लोगों को पहले तो रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर विदाउट भी है तो वो रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आप लोग अप्लाई कीजिए, आपको सीधा अप्लाई बटन कौन मिल जाएगा। सो चलता हूँ मैं एंड सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, कुछ भी डाउट हो तो एनी अदर ऐसे कॉमेंट सेक्शन में बताना, हम पूरा रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए चलते, गुड बाय, जय हिंद।